तलाक चाहती हूँ, तलाक, तलाक। मिस्टर राज वर्मा और मिसेस काजल वर्मा की रजामंदी पर यह अदालत हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत उनका तलाक मंजूर करती है। शादी दो दिलों का मिलाप है, एक घर के ख्याम और दो खानदानों को आपस में जोड़ने का रिश्ता है। शादी की यही डोर सेहतमंद समाज की तश्कील में अहम किरदार अदा करती है, लेकिन बदलता वक्त, तेज रफ्तार जिंदगी और बदलते ख्यालात इंसान के जीने के तौर तरीकों को ही बदल चुके हैं। समाज का हर शोबा इस बदलाव से मुतासिर है। कहीं तरक्की के नाम पर बदलाव है तो कहीं बदलाव की वजह से लोग रात दिन परेशान हैं। यहाँ तक कि शादी जैसा मुकद्दस रिश्ता भी इस बदलाव से नहीं बच पाया है और नतीजा आज कई घर तलाक के नाम पर टूट रहे हैं। आलमी सतह पर यह मसला घर कर गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा तलाक के वाकयात अमेरिका में रूनुमा हो रहे हैं। हालिया रिपोर्ट के आदाद शुमार के मुताबिक अमरीका में 54.8% यानी जायद अस आधी शादियां तलाक पर खत्म हो रही हैं। दूसरे मकाम पर यूरोपीय ममालिक हैं, जहां गुज़िश्ता 3 दहों के दौरान तलाक की शरह में 20% इजाफा हुआ है। 42.6% तलाक की शरह के साथ तीसरे मकाम पर बरतानिया है। हिंदुस्तान तलाक के मामले में आलमी सतह पर अगरचे के सबसे आखिरी मकाम पर खड़ा है, लेकिन यहाँ तलाक के रुझान में इजाफा और यहाँ के बदलते हालात व बदलते ख्यालात तलाक को समाज में नासूर की शक्ल दे चुके हैं, जिसके सबब खुसूसन ख्वातीन और बच्चे इस कदर मुतासिर हैं कि शायद ही आलमी सतह पर कोई और मुल्क तलाक के बास इतनी तशवीशनाक हालत में होगा। यकीन नहीं करेंगे, सबीहा नाम की एक औरत थी जो हमारे पास आई थी, उसको लड़की पैदा हुई। उसकी गलती ये थी कि उसको लड़की पैदा हुई, वो उसको भेज दिए उसके माँ बाप के घर। तो यहाँ पर है, वो थी करीमनगर की गई, तो वो माँ बाप के घर, भाई यहाँ पर था तो भाई के घर भेजे। तो भाभी सोची कि ये मेरे घर में आड़े आ रही है, वो भी बाहर भेज दी। सड़क पर छोटी 1 महीने की लड़की को लेकर 24 घंटे वो बाहर रही रोड पे सर्दी के मौसम में। तो जब वो हमारे पास आई थी, घास भी खाने तैयार थी, इतनी भूखी थी। जजगी के बाद में औरत को अपने बच्चे को दूध पिलाना होता है, अपने खुद को देखना होता है, खुराकी के लिए उसके पास 1 पैसा नहीं है। भाई समझता है कि ये मेरे ऊपर बर्डन है, इसीलिए इसको बाहर ढकल देना चाहिए। शौहर समझता है कि वो बेटी पैदा की, इसीलिए उसको बाहर भेज देना चाहिए। तो इस तरह से एक औरत दोनों तरफ से बहुत पीसी जा रही है। अभी अगर हम देखें आईटी सिटी बेंगलोर, तो लगभग 1,300 से ज़्यादा जो डिवोर्स के केसेस हैं अभी हैं वहाँ पे। मुंबई में अगर देखें तो वहाँ भी 4,000 से ज़ायद डिवोर्स केसेस हैं, और 2008 में तो दिल्ली में लगभग 12,000 केसेस हैं जो डिवोर्स के हैं। अगर हम इसका मुआवजना आज से 10 साल पहले से करें तो हम एक बात इस नतीजे में पहुंचते हैं कि जो डिवोर्स का रेट है इसमें काफ़ी इजाफा हो रहा है। हर चीज़ का खर्चा मार है कि भी मरे मिलों में जुटे। अभी बच्ची एक साल के बाद बच्ची पे हुई, एक बच्ची के बाद वो बच्ची को भी खर्चा यहाँ से लेके जाना पड़ता है। वो बच्ची हुई बल्कि तो नाना छोड़ दिए, बातचीत करना छोड़ दिए। फिर सास ससुरे लोग सब जने बात करते थे, बेटी ही हुए बल्कि सब जने बहुत जुलम करे। फिर दूसरे वक्त प्रेगनेंट थे वक्त ला के छोड़ ही दिए पूरे, कुछ इतने पैसे लेके आने तो आने की ज़रूरत नहीं है बल्कि। किसी के घर बच्ची होती है तो उसको उस दिन से उसकी शादी के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए सोचना पड़ता है, और शादी करके देते हैं
हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए खर्च करके शादी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर तलाक हो जाए और वो बच्ची घर वापस आ जाए तो माँ बाप पे दोहरी जिम्मेदारी आ जाती है। देना था बोले ऐसा ठान लूँगी दिल में, हमेशा ताना मारते थे कुछ भी नहीं लेके कर लिए हम लोग, हाँ वो ये बोले। फिर मैं शोर बाहर के बाद में गलीज बातें करके ये वो तोहमता लगाए, अच्छे कैरेक्टर के नहीं है वो बोल के, पहले बच्चे के खुद ही मारम थोड़ी करे अम्मी बाबा लोगों आगे। उसके बाद में बैठ गई थी मैं, 3 साल के बाद में हमारे शोहर आके ले लेके गए, वही टॉर्चर करे तो मैं गोलियाँ भी खा ली थी मर जाना बोल। अगर हम अपने मुल्क की औरतों का मुआवजा करें बैरूनी ममालिक जैसे यूरोपियन औरतें या फिर अमेरिकन औरतों से, तो ये हकीकत सामने आती है कि हमारी औरतें बाहर की औरतों के बरक्स ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ उनमें एक तरह की इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, इसके अलावा वो अपने हकूक़ को नहीं पहचान पाती और नतीजतन नहायत ही बेकसी की ज़िंदगी गुजारती हैं। ऐसी लड़ाई लड़ाई में शक बहुत करते थे, गैस का तेल 3-4 मरतबा डाले तो मैं पुकारी करे तो बस्ती के लोग आके करके समझा के करके पानी को डाल के कर खूब मारते थे, जहाँ मारे वहाँ उदा नीला हुआ था, सर में अभी भी जख्म है मेरे। आखिरी में 2 बजे रात को खूब मार के करके छुरी निकाले थे, नाक काटता हूँ सुल्ताना सर की बकी बोले निकले, तो मैं रात में निकल गई घर में से, निकल के कहीं में चले आती वक्त बोले तो फतरे लेके मारे नाले पे, हमारे घर के पास नाला है, फतरे लेके मारे थे। फिर उसे होने के बाद में फिर सुबह में फिर वैसे होता बोल के मैं निकल के चले गई। हमारे समाज का पढ़ा लिखा तबका भी तलाक जैसी हकीकत का सामना कर रहा है और उसके असरात से मुतासिर है। शादी के बाद भी फिर क्रेडिट कार्ड्स लोन्स और पूरा फिर आ रहे थे, फिर 3 लाख लोन निकाल के पूरा क्लियर कर दी थी, मेरे को बोले बिना ही वो 3 लाख से उन्होंने कार खरीद के रोज़ पी के आधी रात को आना और घर पे पूरे फ्रेंड्स को लेके आना पीना और पूरा डेली पीना तो छोड़ता ही नहीं, पीते रहता। नाइट शिफ्ट जाओ बोले तो क्यों, मैं जाने के बाद कौन आते तेरे पास सोने के लिए, डेली एक आता क्या, ये पूरा बर्ड बैड वर्ड्स यूज़ करता रहता, फिर बाद में सॉरी बोलता था क्योंकि पी के रहता था। December 4th को उसके मम्मी के घर चले गया और उसकी माँ बोले डाइवर्स दे दो डाइवर्स दे दो, बिकॉज ऑफ सैलरी ही मैरिज विथ मी। वो बोल शायद मेरे को मेरे को इंटरेस्ट नहीं थी, मेरे को खाली सैलरी कमा को देते बोले तो मैं कर लिया, ज़रूरत ही नहीं मेरे को तुम्हारी, वही बिकॉज आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ वन आई वॉन्टेड मोर इज टेलिंग फ्रंट ऑफ मी सेल्फ। सिर्फ खवातीन ही नहीं मर्द हजरात भी तलाक से मुतासिर हैं, लेकिन सर्वे के मुताबिक उनकी शरह कम है। मेरी शादी होकर 10 साल हुआ, मेरी अम्मी में और मेरे बीवी में हमेशा किरकिरियाँ होते रहते, इन परेशानियों की वजह से मैं इतना बेजार हो गया हूँ कि मैं अपने आप को संभाल नहीं सक रहा हूँ। मैं तो ये परेशानियों की वजह से मेरे को सुकून नहीं है और मेरे को टेंशन ही टेंशन है। जब भी मैं बाहर से घर में आता हूँ तो मेरे अम्मी और मेरी बीवी के अंदर हमेशा का फुकारा होगा ये हमेशा के लिए, इसीलिए मैं ये छुटकारा पाने के लिए मैं तलाक दे दिया हूँ अपनी बीवी को। मेरे बच्चे भी छोटे छोटे जो बच्चे हैं मेरे वो भी परेशान है, हर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है मेरे घर के अंदर, कोई सुकून नहीं है मेरे को यहाँ पर। लड़की US चली गई थी, फिर मैं 1 साल के बाद US गया था। वहाँ पर जाने के बाद उन लोग ये चाहते थे कि मैं उनके सिटी में रहूँ, तो साथ ही साथ बाद में ये चीज़ मालूम हुई कि उन लोग के कर्ज लड़की का इतना बड़ेवा था जो माँ बाप ले चुके थे लड़की के नाम पर, तो वो अदा करने का था कुछ 20 लाख रुपया कर्ज था। ये बोलते थे कि ठीक है तुम्हारे शोहर को बोलो कि वो कर्ज अदा करो जो पुराना जो हमारा पेंडिंग पड़े हुआ है। माहिरीन का कहना है कि हमारे मुल्क में तलाक अक्सर ज़हनी हम आहंगी के फुकदान के सबब होती है, कभी यहाँ तलाक का बास जहेज का नाजायज मुतालबा होता है तो कभी नशावर अशिया और शराब का इस्तेमाल। मगरबी तहजीब हिंदुस्तान पर इस कदर हावी हो चुकी है कि बेशतर नौजवानों के साथ साथ शादीशुदा अफराद भी जिनसी बेरहरवी को फरोग देने लगे हैं, जिसके नतीजे में तलाक मामूल बन गई है। लावा अजी तलाक के दीगर वजूहात में तरसीली फुकदान, माशी मसाइल और ईजा रसानी शामिल हैं। इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 जो
लेजिस्लेशन पास किया गया अपने गवर्नमेंट के तरफ से, जो भी है विक्टिम्स है, जो भी अफेक्टेड पर्सन है, या वाइफ हों दो हस्बैंड हों दो, वो लोग अपने एक दरख्वास्त कोर्ट को लगा सकते हैं। उसमें ग्राउंड्स है, जो भी ग्राउंड्स बोले तो अभी डाइवर्स कौन से बेसिस पे लेना, क्यों लेना डाइवर्स, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। वो ग्राउंड्स पूरे थोड़े ग्राउंड्स है, वो पूरे 10 ग्राउंड्स है, पूरे 10 ग्राउंड्स एंड 10 ग्राउंड्स वन एडिशनल ग्राउंड और एक है। उसमें क्या है बोले तो फर्स्ट जो मसला है, डाइवर्स क्यों लिया जाता है, फर्स्ट जो है एडल्ट्री बोले तो नाजायज़ किसी से नाजायज़ ताल्लुकात लगाना, वो एक ग्राउंड है। और एक क्या बोले तो 2 साल वाइफ एंड हस्बैंड सेपरेट रहना, वो भी एक ग्राउंड है। और जो हस्बैंड क्रूयल बोले तो जैसे हरासमेंट करता, क्रूयल बोले तो उनको जो मेंटेनेंस नहीं देते, वो एक ग्राउंड है। अब ये क्या है बोले तो जो हस्बैंड कंटिन्यूसली फॉर 7 ईयर्स वो अननोन बोले तो कोई उनका कोई एड्रेस नहीं है, उनका कोई उन्होंने जिंदा है या मर गए वो किसी को नहीं मालूम, किसी को ये जो पिटिशनर को जो दावा डाले, तो वो भी एक ग्राउंड है। इस्लामी क़ानून तलाक जो इस वक्त हिंदुस्तान में राइज है, उसकी मुख्तलिफ़ अशकाल हैं। सबसे पहले है तलाक़ अहसन। तलाक़ अहसन जिसको तमाम आथर्स ने, तमाम डॉक्टर्स ऑफ मुस्लिम लॉज ने कहा है कि इट इज़ दी बेस्ट फॉर्म ऑफ तलाक। तलाक के अहसन में शोहर के लिए लाजिम है कि वो तोहर की हालत में एक मरतबा अपनी बीवी को तलाक दे। इस तरह 3 तोहर की हालत में 3 मरतबा तलाक दे, गोया 3 मरतबा तलाक 3 महीने में मुकम्मल होती है। तलाक हसन भी इसी की एक शक्ल है, जो एक डिग्री कम है, लेकिन ये भी तोहर की हालत में देनी है 3 मरतबा, और ये भी तलाक रिवोकेबल है, काबिल तंसीक है। इसमें भी शोहर और बीवी को इस मरतबा एक इख्तियार दिया गया है कि वो चाहे तो 1 माह के बाद दोबारा मिल लें और तलाक को ख़त्म कर दें। तलाक़ बिदत तीसरी शक्ल है, जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ तलाक है। ये तलाक़ 3 मरतबा दी जाती है और इसको सिर्फ सुन्नी लॉ में रिकॉग्नाइज किया गया है। तलाक का मसला हिंदुस्तान में दिन ब दिन इतना पेचीदा होता जा रहा है कि कभी यहाँ तलाक का देना लानत बन रहा है, तो कभी तलाक का न देना मुसीबत बन गया है। खुसूसन मुस्लिम माशरे में आज कई ख्वातीन खुला लेने के लिए दर बदर भटक रही हैं, लेकिन उनके शोहर उन्हें तलाक देने से इनकार कर रहे हैं और कसम पुरसी की हालत में उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। छोड़ के देखिए 4 साल हो गया, अब तक कोई वो नहीं है, ना बच्चों का मेंटेनेंस है, बच्चों को खुराक की कोई चीज़ कुछ भी नहीं है। हम यहाँ हमारी अम्मी उनका नहीं आके रह गए। अब मैं क्या है सो जॉब को जा रही हूँ, हॉस्पिटल में सिस्टर नर्सिंग कोर्स कर रही हूँ, तो डिवोर्स दे दो बोल के बोली मैं। और अली बोल दिए पूरे उनके बड़ों में फैमिली में, और अली बोल दिए, उन्होंने बोले ठीक है हो गया ना, अब आओ नको मिलो नको किससे भी। तो मैं बोली ठीक है, मेरे को सिग्नेचर साइन हुए करके दे डालो पेपर पर, फुलानामा या तलाकनामा करके साइन करके दे दो बोली, तो नहीं दे सकते। शोहर राज़ी नहीं हो रहा है तलाक देने के लिए, तो आप अदालत को जाएं, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट की दफ़े 2 के तहत आप दरख्वास्त दाखिल करें, जिसमें ग्राउंड्स हैं। वो ग्राउंड्स में पहला ग्राउंड है कि शोहर आपको 2 साल से ज़्यादा नफ़ा, 2 साल का अरसा गुजर चुका है, नफ़ा नहीं दे रहा है, या ये कि शोहर को ऐसी जिनसी बीमारी हो गई है कि जिसकी वजह से मजीद अब अज़दवाजी ज़िंदगी अज़दवाजी ताल्लुक बाकी रखना मुमकिन नहीं है, या ये कि शोहर लापता है 7 साल से ज़्यादा अरसे से वो लापता है, मफ़कूदुल ख़बर है, या ये कि साहब आप शोहर को जेल हो गई है और उसकी वापसी अब 7-8 साल से पहले नहीं हो सकती। इन ऐसे ग्राउंड्स पर जो सेक्शन 2 में दिए गए हैं, उस ग्राउंड पर आप बीवी को चाहिए वो फैमिली कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करें। इसके लिए सिर्फ 10 रुपये कोर्ट फीस है, वो शोहर के खिलाफ नोटिस जारी कर सकती है। अगर शोहर अदालत में ना आए तो अदालत एक्सपार्टी कर देगी शोहर को, एक तरफा फैसला देगी। मुस्लिम खवातीन के मसाइल को हल करने में ये अदारा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत नहायत अहम रोल अदा कर रहा है, और पूरे हिंदुस्तान में बोर्ड के तहत ऐसे दारुल क़ज़ा कायम हैं। और इस बात की गुंजाइश है कि जो ख़वातीन ये महसूस करती हैं कि शौहर इनके हकूक़ अदा नहीं कर रहे हैं या उनके शौहर लापता हैं, वो दारुल क़ज़ा से रजू हो सकती हैं। यहाँ उनके ज़रिए मसाइल पूरे तय किए जाएंगे
اور اس بات کی بھی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ یہاں کے فیصلے کی روشنی میں عدالت سے مدد لیتے ہوئے وہاں کی ڈگری حاصل کر لیں۔ ہمارے ملک میں غریب اور متوسط طبقے کی مسلم لڑکیوں کی عربوں سے شادی معمول ہے۔ جب یہ عرب حضرات ہندوستان سے تفریح کے اختتام پر اپنے ملک لوٹ جاتے ہیں تو ہندوستان میں ہوئی شادی اور شریک حیات دونوں ہی کو بھول جاتے ہیں۔ نتیجہ مسلم معاشرے کی یہ غریب اور بے بس خواتین خلا یا طلاق کے لیے برسوں تک ان عربوں کے انتظار میں آنکھیں بچھائے بیٹھی رہتی ہیں۔ ویسی صورت میں جو یہاں پر چھوڑ کے جاتے تھے بیویوں کو، ویسے عورتیں یہاں رجوع ہو کر درخواست خلا پیش کیے، یہاں سے وہاں کے امبیسی، رئیس القاضی، انڈین امبیسی، دبئی امبیسی، سب کو وہاں یہاں سے لکھنے کے بعد وہاں کی گورنمنٹ وہاں سے طلاق خلا جو بھی تھا وہ منظور کر کے بھیجائے۔ بعض کیسوں میں تو خلا جانے کے باوجود بھی وہاں سے مہر بھی بھیجائے۔ مسئلے طلاق دو حصوں میں منقسم ہیں۔ پہلا حصہ طلاق لینے، دینے یا پھر صلح کرانے سے تعلق رکھتا ہے، جس کے لیے غیر سرکاری تنظیموں اور حکومت نے کئی اداروں جیسے مہیلا منڈلوں، فیملی کاؤنسلنگ سینٹرز، فیملی کورٹس، مذہبی ادارے وغیرہ کے قیام کی مدد سے کافی حد تک اس مسئلے کو سلجھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ لیکن دوسرا حصہ طلاق کے بعد خواتین کی کفالت کا ہے، جو آج بھی بہت کمزور ہے۔ اب چھوڑ کے اب 9 سال، اب کیا ہے، شادی کر کے دیے جیسا اچھا اتنا دام دے دے کے پھر کیا فائدہ، پھر گھر میں بیٹھے بیٹی بول کے بابا سے، بہنوں سے، سب سے ایسا۔ پھر بعد میں گئے وہاں پر، پھر گئے تو اچھے اچھے رہے، بس پھر مرد سے مارنا، وہی توڑنا ویسا ہے، پھر بچے پیٹ میں، بچہ مر گیا، پھر بچے پیٹ میں، اب وہ بچے کے ساتھ ہی رہ رہی ہوں۔ اب کچھ بھی وہ دے رہا نہیں کرنے، میری یہاں کیس پہ ادھر اما ان لوگ سے گھروں میں کام کر لے کے جی رہی ہوں۔ کرایہ، گھر کا کرایہ بن لینا، میں بچے کو دیکھ لینا، پڑھائی کر لینا بچے کو، اب سب مرد کو کھو کے بیٹھے، اما بابا دیے سب پیسہ، وہ سب گیا، بچے کو کھو کے بیٹھے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، صرف میری بچی۔ میں ادھر مرنا نہیں معلوم ہو رہا، ادھر جینا نہیں معلوم ہو رہا، کچھ بھی کھا کے بچی میں سو جانا، ویسا ایک ایک روز ویسا دکھتا میرے کو۔ ڈیوس میچ لے لی، انہیں 1 روپیہ نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا نہیں۔ اب بچے بڑھ رہے، وہی فکر ہو رہی میرے کو کہ کیسا کرنا، عورت بچی کو پڑھائی میں تو پیسہ بہت لگ رہا، کیسا ہونا کیا ہے، وہی سوندری میں میڈم کو بولنا وہی چاہ رہی تھی، اب کیسا کرنا کیا ہے، محنت کرے تو بھی ایک میں اکیلی تھی، ان کے پاس کھا رہی تھی، اب 4 ہو گئے نا، اب 3 بچے میں، اب وہ لوگ بھی بولے آپ الگ کچھ بھی کر لینا، بول کے بولے ٹھیک ہے۔ طلاق لے لیتے ہیں یہ لوگ، دے دیتے ہیں طلاق، لیکن نان نفقہ جیسی چیز سے اتنی دور بھاگتے ہیں۔ ہم نے سروے کیا حیدرآباد کے کچھ گھرانوں میں، اور پتہ چلا کہ کوئی بھی مرد مطلقہ کو نان نفقہ نہیں دیا ہمارے سروے کے درمیان۔ یہ عورتوں کے ساتھ طلاق کے فوری بعد جو واقعات پیش آ رہے ہیں، جو ان کی حالت اظہار ہو رہی ہے، اس کی ذمہ دار جو ہے، ایک تو سسرال والے بھی ہیں، ساتھ میں میکے والے بھی ہیں، یعنی خود عورت کے ہی بھائی، بہن، بھاوج، والدین وغیرہ ہوتے ہیں۔ والدین سمجھتے ہیں کہ شادی کر دی ہم، بس بچی کی اب ہماری ذمہ داری نہیں رہی، اب وہ سسرال ہی جو ہے اس کا گھر ہے، وہیں سے جو ہے اس کی میت آنی چاہیے، مرنے تک وہ وہیں پر رہنی چاہیے۔ اس طرح کا جو ہے ابھی تک ہمارے گھروں میں یہ احساس ہے۔ 1986 میں شہبانو کیس کے بعد ہمارے ملک میں دی مسلم وومن پروٹیکشن آف رائٹس آن ڈیورس ایکٹ 1986 قانون کا نفاذ عمل میں لایا گیا، اور مسلم متعلقہ خواتین کی کفالت کی ذمہ داری وقف بورڈ پر عائد کی گئی۔ وقف بورڈ کے ذریعے سے بھی ان طلاق شدہ خواتین کی باضابطہ کاری کے لیے جو بھی اقدامات اگر کیے جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل مبارکباد ہیں، اس میں اور اس میں وسعت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض خواتین ہمارے یہاں رجوع ہو رہی ہیں جو متعلقہ ہیں، یہ خواتین ہم سے اپنے بارے میں بتانے سے، ہم ان کو عدالت سے کاروائی کرتے ہوئے وقف بورڈ سے ہم ان کو مینٹیننس دلا رہے تھے، پیسے دلا رہے تھے، پتہ نہیں وقف بورڈ میں مئی کے منتھ سے، مئی 2009 سے یہ پیسے ادا نہیں ہو رہے ہیں، خواتین کافی پریشان ہیں۔ معاشی طور پر سماج کا پچھڑا ہوا دلت طبقہ بھی
मसले तलाक से अछूता नहीं है। शादी के पहले दिन से ही बहुत तंग रखते थे मुझे, तो मैं छोटी थी, उनके मार के डर से सब कुछ वो जैसा बोलते वैसा सुन लेती थी। तो 7 साल वहाँ पर थी, 7 साल तक मेरे साथ ऐसे ही झगड़ा रखे, कभी ठीक से नहीं रखे मुझे। वहाँ से डिवोर्स तो मिल गया, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि बच्चे दे दो हमको, हम मेंटेनेंस नहीं देंगे, बोल रहे हैं कास्ट से मतलब अलग कर दिए। दलित कम्युनिटी में बहुत लोग शामिल है, और इस जो भी इस्लाम या क्रिश्चियनिटी या सिखिज़्म में है उनमें भी दलित जैसा समझता और उनको रखा गया है, अभी भी ऐसा है। और उसमें भी, और दूसरी बात यह है जो वुमेन है, महिला, ये जिस दलित समाज में या मुस्लिम समाज में दलित का वो बैकग्राउंड से आया है, उनको डबल डिस्क्रिमिनेशन होता रहता है, क्योंकि वो पहले दलित समाज से दूसरी वुमेन की वजह से महिला है। डिवोर्स लेने के बाद उनका जीवन बहुत कष्ट में पड़ता है, और उनको वहाँ से ज़िंदगी जीने के लिए बहुत दिक्कत और कठिनाई उठता है। गवर्नमेंट इस ताल्लुक़ से कुछ ऐसा सोचे कि जहाँ से इन ख़वातीन को कुछ तो मतलब जीने के लिए सहारा मिल सके, कुछ पैसों की इमदाद हो सके, जिससे ये एक डिग्निफाइड लाइफ गुजार सकें। तलाक के नाम पर माँ बाप तो अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन उनसे जुड़े मासूम बच्चों पर होने वाले मनफी असरात को नज़रअंदाज कर देते हैं। जब माँ बाप अलग हो जाते हैं बच्चों पर बहुत बुरी असर होती है, इतना कि अगर कोई माँ या बाप गुजर गए तो उतना दुख नहीं होता बच्चों पर, लेकिन अगर सेपरेट हो गए तो बहुत दुख होता, क्योंकि साइकोलॉजिकली स्पीकिंग वो लोगों को उम्मीद रहता कि ये दोनों फिर मिल सकते हैं, फिर हम एक फैमिली जैसा रह सकते हैं, तो उस उम्मीद में बहुत दर्द है। ख़ानदान की मजबूत इकाई के बगैर बेहतर समाज की तश्कील का तसव्वुर नामुमकिन है, और ख़ानदान को मजबूत इकाई की शक्ल देने में ख़वातीन व बच्चे बुनियाद का मुकाम रखते हैं, लेकिन तलाक इस बुनियाद को खोखला करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस मौजू पर मजहब की क्या तालीमात हैं। इस्लाम प्यार मोहब्बत का मजहब है, और उसने पाकीज़ा साफ़ सुथरी और मोहब्बत वाली ज़िंदगी गुजारने के लिए निकाह को मुकर्रर किया है, और हुक्म दिया गया कि मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के साथ एहतराम करते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारें। तलाक अल्लाह सुभान व ताला के पास नहायत ही नापसंदीदा चीज़ है, इसमें मुसलमानों को जल्दी नहीं करना चाहिए। इसको यूँ समझो कि जब आदमी बीमार होता है या उसको कोई ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है तो तभी वो दवा खाता है और ऑपरेशन के लिए तैयार होता है। इसको उठे बैठे चलते फिरते इख्तियार करने का हुक्म नहीं दिया गया। तलाक न दें उस वक्त तक जब तक कि वह महसूस करें अब बिल्कुल नामुमकिन है, एज ए लास्ट रिसॉर्ट हत्तल इम्कान निभाने की कोशिश करें। दूसरे के तलाक देने के बाद जो भी जिम्मेदारियाँ शरीयत आयद करती है, मसलन शरीयत ये ज़िम्मेदारी आयद करती है कि साहब उसके इद्दत के दिनों का नफ़ा दिया जाए, और इद्दत के दिनों का नफ़ा उस पैमाना का दिया जाए जिस पैमाने की ज़िंदगी वो शौहर के साथ गुजारती थी। फिर उसके साथ ये है कि साहब उसका जहेज जो अपने वालदेन के पास से लाई है, उसको खुद जो है ससुराल से जो मिले हैं, शौहर से जो कुछ मिला है वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। ये अब जो है प्रॉपर्टी शौहर की नहीं रही, ये प्रॉपर्टी ससुराल की नहीं रही, ये उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। तो उसकी अपनी प्रॉपर्टी जो है, जो जेवर की शक्ल में, माल की शक्ल में, किसी और शक्ल में है, वो जो है उसको जो है लौटा दिया जाए। जन्म से जातकरण, नामकरण, विद्यारंभ, अन्नप्राशन, उपनयनम, उसके साथ विवाह भी एक संस्कार है, और इसको अच्छा संस्कार माना गया है। इसलिए छोटी छोटी बात पर आजकल जो हम देखते हैं कि डाइवर्स होते हैं, इसमें थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक दूसरे को समझ लेना चाहिए, क्योंकि कौन से भी परिवार में समस्या रहेगी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि कुछ हमारे बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो डाइवर्स ही करना चाहिए।
छोटी छोटी बातों में हमें सहन करना भी सीखना चाहिए। जब तक हम सहन नहीं कर सकते तब तक हम इस दुनिया में अच्छी तरह से सुख शांति से कभी भी नहीं जी सकते। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा और ये नियम दिया कि तलाक की इजाज़त किसी भी आदमी और औरत को नहीं दिया जाता है बाइबल के अनुसार, क्योंकि सिर्फ जब हम व्यभिचार करते हैं तभी वहाँ थोड़ी सी छूट दी जाती है ताकि उसका सही सही निर्णय लिया जा सके।